नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और एक और आदेश लोक शिक्षण संचालनालय सिर परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों के लिए। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अभी जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश 27/3/2024 और यहां पर संशोधित समस्त संभागीय सहयोग संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, हाई हायर सेकेंडरी स्कूल अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने के संबंध में संचालनालय का पत्र क्रमांक 31/29/2023, संचालनालय का पत्र क्रमांक 36/11/3/2023 और संचालनालय का पत्र क्रमांक 42/15/3/2023 और संचालनालय का पत्र क्रमांक 50/26/3/2023 उपरोक्त विषय अंतर्गत संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों के पैनल एवं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की रुटिपूर्ण जानकारी को सत्यापित कर दिया है, जो घोर अनियमितता का प्रतीक है। जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे संकुल प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करे। जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे प्रकरणों की एग्जाई जानकारी संकुल प्राचार्य से प्राप्त कर GFMS पोर्टल पर आवेदकों की जानकारी में संशोधन के स्थान पर अनलॉक की कार्रवाई करें और अनलॉक जानकारी को आवेदक स्वयं के लॉगिन से आवश्यक संशोधन कर संकुल प्राचार्य से पुनः सत्यापित कराए। उक्त कार्रवाई दिनांक 20/4/2024 तक करना सुनिश्चित करें। DS कुशवा संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक राज शिक्षा केंद्र भोपाल, प्रबंध संचालक MPSEDC अरेरा हिल्स भोपाल की ओर से सूचना, कलेक्टर समस्त जिले और समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी। संकुल प्राचार्य को तो नोटिस मिलेगा, लेकिन साथ में अतिथि शिक्षकों के लिए काफी परेशानी होती है। फिर दोस्तों, लॉक कराओ फिर अनलॉक करवाओ, इसको लेकर अतिथि शिक्षकों में भारी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर 20/4/2024 तक ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी। बाकी फेस स्कैन वीडियो बनाकर सारी बातें आपको समझाऊंगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।